Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class 3rd, we will study our first chapter of PA 3rd in maths. That is chapter 8, money. बच्चों अब हम money यानी पैसे के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए बच्चों concepts पे आते हैं. ठीक. 1 rupee has 100 paise. 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. We multiply rupees by 100 to convert them into paise. Rupees को जब हम पैसे में convert करते हैं यानी बदलते हैं तो हम किससे multiply करते हैं? हम 100 से multiply करते हैं. Next, 100 पैसे make 1 rupee. 100 पैसे को जब हम मिलाते हैं तो 1 रुपए बनता है. We divide पैसे by 100 to convert into rupees. We divide पैसे. पैसे को हम divide करते हैं किससे? 100 से. तो ये किसमें बदल जाता है? ये rupees में बदल जाता है. Next, 1 rupee is written as. 1 rupee को हम इस तरीके से लिखते हैं. ये ऐसे लिखेंगे हम 1 rupee. Next, 1 rupee and 5 paise is written as. 1 rupee and 5 paise को हम इस तरीके से लिखते हैं ऐसे. Next, a thing having the least price is called the cheapest. वो चीज जिसकी price यानी जिसका दाम least यानी सबसे कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Cheapest बोलेंगे. क्या बोलेंगे? Cheapest यानी सस्ता बोलेंगे. Next, a thing having the highest price is called the most expensive. और वो चीज जिसकी प्राइस जिसका दाम ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मोस्ट एक्सपेंसिव बोलेंगे यानी महंगा बोलेंगे. आइए बच्चों अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 74. देखिए फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस. उसमें क्या करना है? आपको बॉक्स दिए हुए हैं उसको हमें फिल करना है. तो रुपीज 5 इक्वल्स टू रुपीज 1 कॉइंस. बोल रहा है क्वेश्चन कि रुपए 5 रुपए में यानी 5 रुपए में 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे. तो 5 रुपए में 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे? 5 कॉइन होंगे क्योंकि 1 रुपए मतलब 1 कॉइन. तो 5 रुपए मतलब 5 कॉइन. तो 1 रुपए के कितने कॉइन होंगे 5 रुपए में? 5 रुपए में 1 रुपए के 5 कॉइन होंगे. तो हम ऐसे कर देंगे. अब इसी तरह से एक और नेक्स्ट इसको देखते हैं. रुपए 1 इक्वल्स टू 50 पैसा कॉइंस. बोल रहा है कि 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे. तो जब हम 50 पैसे के दो कॉइन को मिलाते हैं तो 1 रुपए बनता है. तो 1 रुपए में 50 पैसे के कितने कॉइन होंगे? दो कॉइन होंगे. तो यहाँ पे 2 भर देंगे. अब हम आते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे. कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे. रुपीज को हम पैसे में कैसे बदलेंगे? तो देखिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं. रुपीज दिया हुआ है रुपीज 50.75 पैसे. ठीक. इसको हम पैसे में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? ये देखिए बहुत ही छोटा सा तरीका है. आप उससे इस क्वेश्चन को तुरंत और बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. देखिए वो तरीका क्या है. रिमूव द डेसिमल फ्रॉम रुपीज. रुपीज यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है इसे रिमूव कर देंगे. रिमूव कर देंगे मतलब हटा देंगे. एंड राइट पैसे इन प्लेस ऑफ रुपीज. और रुपीज की जगह पे यानी इस डेसिमल की जगह पे को हटा के यानी इस डेसिमल की जगह पे हमें क्या लिखना है? ये पैसे लिखना है क्योंकि 15.75 पैसे है. तो हम क्या करेंगे? इस डेसिमल को हटाएंगे और इसकी जगह पे 75 लिख देंगे या जो भी रहेगा वो लिख देंगे. ठीक है. तो जब हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1575 पैसे और रुपीज की जगह पे क्या लिख देंगे? पैसे लिख देंगे. ठीक है. तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. अब हम आते हैं कन्वर्जन ऑफ पैसे इनटू रुपीज. अभी हमने क्या सीखा था?
कैसे बदले निकालने देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल दिया है 3700 पैसे, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, रुपीज में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा मेथड है इसको बदलने का, वो है प्लेस अ डेसिमल पॉइंट बिटवीन द टेंस एंड हंड्रेड डिजिट्स इन पैसे। इसमें ये जो पैसे दिए हुए हैं, इसमें ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की और ये हंड्रेड की, ये थाउजेंड की। तो हम हाँ क्या करेंगे, टेंस की प्लेस और हंड्रेड की प्लेस के बीच में एक डेसिमल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। किसकी प्लेस में, हंड्रेड और टेंस, हंड्रेड और टेंस की प्लेस के बीच में हम ये डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए हमने डेसिमल हंड्रेड और टेंस की प्लेस पे लगाया है। इस डेसिमल को हम हंड्रेड और टेंस की प्लेस के बीच में लगा देंगे तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। ये देखिए, तब हमने यहाँ पे लिखा रुपीज। अब रुपीज में करना है तो सबसे पहले हम रुपीज लिखेंगे, फिर 37, फिर टेंस और हंड्रेड की प्लेस पे क्या लगा था, यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया था, उसके बाद ये दो जो जीरो रहेंगे इसको आगे लिख देंगे। तो ये रुपीज 37 और 37 रुपीज हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब इसी पे आपकी एक एक्सरसाइज है, पेज नंबर 75 पे देखिए, एक्सरसाइज 8.2। ए नंबर का पार्ट है इसका। ए नंबर के पार्ट में आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट करना है। तो अभी हमने सीखा है कि हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रुपीज को कैसे करते हैं। पैसे की जगह पे जो रुपीज की जगह पे जो डेसिमल लगा होता है, रुपीज की जगह पे जो डेसिमल लगा होता है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और पैसे को उसके साथ लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। देखिए इसको हमें किसमें बदलना है, पैसे में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव कर देंगे। तो जब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ठीक है। डेसिमल को हमने रिमूव कर दिया। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रुपीज तीन रुपए साठ पैसे, रुपीज थ्री रुपीज सिक्सटी पैसे दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को रिमूव कर देंगे, यानी डेसिमल को हटा देंगे। तो हम डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 360 पैसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट पार्ट यानी बी पार्ट को देखिए। पहला क्वेश्चन है इसका 3000 पैसे। इसमें क्या करना है, इसमें हमें पैसे को रुपीज में बदलना है, यानी पैसे को हमें रुपीज में बदलना है। तो अभी हमने सीखा है कि जब हम पैसे को रुपीज में बदलते हैं तो हम टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस के बीच में क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं। तो वो किस में बदल जाता है, वो रुपीज में बदल जाता है। तो देखिए 3000 पैसे, इसमें वंस की प्लेस ये है और टेंस की है और हंड्रेड की, थाउजेंड की है। तो हम क्या करेंगे, टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस के बीच में क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, कुछ भी लगाते हैं। और पैसे की जगह पे क्या लिख देंगे, रुपीज। तो रुपीज 30 और क्या करेंगे, रुपीज 30। 30 कैसे हुआ, क्योंकि हमने टेंस और हंड्रेड्स की प्लेस पे क्या लगा दिया, हम डेसिमल लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रुपीज 30 हो जाएगा, ठीक। आप चाहते हो तो इस जीरो को ऐसे लिख भी सकते हैं डेसिमल लगा के, और नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप इसे नहीं भी लिख सकते, ठीक है। ये रुपीज 30 हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, 940 पैसे, 940 पैसे दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, वंस की प्लेस ये है, टेंस की ये, हंड्रेड्स की ये है। तो टेंस और हंड्रेड की प्लेस के बीच में हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो सबसे पहले हम रुपीज के लिखेंगे क्योंकि हम रुपीज में बदल रहे हैं। उसके बाद 9.4 और ये 0, तो ये क्या हो गया, रुपीज 940 पैसे। आइए बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं चैप्टर के, एडिशन ऑफ मनी। मनी यानी पैसे और रुपए को हम कैसे एडिशन करते हैं, उसका कैसे उसको जोड़ते हैं, अब हम ये सीखेंगे। तो आइए हम एडिशन ऑफ मनी सीखते हैं एक्सरसाइज 8.3 के माध्यम से। तो एक्सरसाइज 8.3
पेज नंबर 76 खोलिए, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। रुपीज 123.55 पैसे एंड रुपीज 213.30 पैसे, इनको हमें क्या करना है, आपस में जोड़ना है। तो आइए हम सीखते हैं कि हम इन्हें आपस में कैसे जोड़ें। एक साइड हम रुपीज लिखेंगे और दूसरे साइड हम पैसे लिखेंगे, ठीक, ऐसे हम लिख लेंगे। अब रुपीज की जगह पे रुपीज पे जो दिया है वो लिखेंगे और पैसे की जगह पे जो पैसे की जगह पे दिया होगा वो लिखेंगे। तो रुपीज की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, 123 दिया है, तो हम 123 लिखेंगे। बीच में हम डेसिमल लगाएंगे और पैसे की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है, 55 दिया है, तो हम 55 लिखेंगे। उसी तरीके से इसका भी करेंगे, 213 रुपीज की जगह पे लिखेंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे और पैसे की जगह पे 30 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे। चलिए प्लस करते हैं, 5 + 0 = 5, 5 + 3 = 8, फिर डेसिमल लगा देंगे, 3 + 3 = 6, 2 + 1 = 3 और 2 + 1 = 3, तो कितना आ गया, रुपीज 336.85 पैसे। इस तरीके से बच्चों हम एडिशन को करते हैं रुपीज पैसे के। एक और सवाल हम देखते हैं इसका, वो है 5 नंबर का। 5 क्वेश्चन देखिए इसका, रुपीज 512.75 पैसे एंड रुपीज 135.65 पैसे, इसको हम कैसे करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम रुपीज लिखेंगे, फिर हम एक साइड पैसे लिखेंगे। अब रुपीज की जगह पे रुपीज लिखेंगे, तो रुपीज की जगह पे 512, बीच में डेसिमल लगाएंगे, और पैसे की जगह पैसे लिखेंगे, तो पहले वाले का पैसा क्या है, 75 है, तो 75 लिखते हैं। अब देखिए दूसरे वाले में भी ऐसे करेंगे, रुपीज की जगह पे रुपीज लिखेंगे यानी 135 लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे और पैसे की जगह पे पैसा लिखेंगे यानी 65 लिखेंगे। फिर दोनों को क्या करेंगे, प्लस का साइन लगा के जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 + 5 क्या होगा, 10 होगा, तो 10 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। फिर 7 + 6, तो 7 + 6 कितना होगा, 13 होगा, 13 में ये 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी। फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, फिर 5 + 2 = 7 + 1 = 8, 3 + 1 = 4, 5 + 1 = 6, तो कितना आ गया, रुपीज 648.40 पैसे। इस तरीके से बच्चों एडिशन ऑफ मनी को करते हैं। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी पे। अभी तक हमने रुपए पैसे को कैसे जोड़ते हैं ये सीखा, अब हम रुपए पैसे को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी कैसे घटाते हैं, अब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर 77 पर आइए, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। ₹75.80 माइनस ₹21.40 पैसे, यानी 75 रुपीज 80 पैसे में से हमें माइनस करना है 21 रुपीज 40 पैसे। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से लिख लेंगे, एक तरफ रुपीज एक तरफ पैसे, ठीक है। फिर रुपीज की जगह पे रुपीज लिखेंगे, तो 75, फिर डेसिमल लगाएंगे और पैसे की जगह पे पैसा लिखेंगे, तो 80 पैसा, ठीक है। अब ये वाला उतारेंगे, तो रुपीज की जगह पे 21 और पैसे की जगह पे 40। अब माइनस का साइन लगा के हम माइनस करते, ठीक है, तो 0 - 0 = 0, 8 - 4 = 4, फिर डेसिमल लगा देंगे, 5 - 1 = 4, 7 - 2 = 5, तो कितना आ गया, 54 रुपीज 40 पैसे। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको कैसे करेंगे, उसी तरीके से रुपीज लिखेंगे, फिर पैसे लिखेंगे, रुपीज की जगह पे रुपीज लिखेंगे और पैसे के नीचे पैसा लिखेंगे, ठीक है। तो रुपीज लिखते हैं 276, फिर डेसिमल लगाएंगे, पैसे की जगह पे 40 लिखेंगे, फिर इसको इस वाले में ऐसे करेंगे, रुपीज की जगह पे 162 लिखेंगे और पैसे की जगह पे 80 लिखेंगे। अरे
थोड़ा इसको भी लिख दो। अब देखिए ऐसे लिख दिया आपने, अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस का साइन लगा के माइनस करेंगे, तो जीरो माइनस जीरो जीरो। अब देखिए फोर से एट नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, वन इससे उधार लेंगे यानी बोरो करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 किया तो 3 आएगा। ठीक है, 7 में से 6 किया 1 और 2 में से बन गया 1, तो बच्चों कितना आ गया आंसर, 113 रुपीज 60 पैसे। देखिए बच्चों अब पेज नंबर 77 पे शॉपिंग दिया हुआ है, शॉपिंग मतलब खरीदारी करना। ठीक है, बिलो आर गिवन 3 थिंग्स, प्राइस ऑफ ईच थिंग इज नोटेड बिलो इट। अपनी बुक में देखें, इरेजर बना हुआ है, पेन बनी हुई है और नोटबुक बनी हुई है। इरेजर की प्राइस 1 रुपीज़ दी हुई है, पेन की 5 रुपीज़ दी हुई है और नोटबुक की 30 रुपीज़ दी हुई है। ऑफ द 3 थिंग्स, इन सभी चीज़ों में जो दी हुई हैं, द इरेजर इज़ द चीपेस्ट, सबसे सस्ता कौन क्या चीज़ है, तो इरेजर सबसे सस्ता है क्योंकि वो 1 रुपए का है। द नोटबुक इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, नोटबुक जो है वो सबसे महंगी है, क्यों, क्योंकि नोटबुक कितने रुपए की है, 30 रुपए की है। द बॉल पेन इज़ चीपर दैन द नोटबुक, और जो बॉल पेन दी हुई है यानी जो पेन दी हुई है वो नोटबुक से थोड़ी सस्ती है, बट मोर एक्सपेंसिव दैन द इरेजर, लेकिन इरेजर से ज़्यादा महंगी है। ठीक है, अब देखिए शॉप डिस्प्ले, यहाँ पे एक शॉप एक दुकान दी हुई है, उसमें कुछ सामान और उसके दाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए रुपी 2 ईच पेंसिल दी हुई है, ये 2 रुपए एक का दाम है। रुपये 5 ईच, एक बलून 5 रुपए का है। फिर इरेजर बना हुआ है तो रुपये 1 ईच, एक रुपए का एक इरेजर है। फिर नोटबुक बनी है तो रुपये 30 ईच, 30 रुपए की एक नोटबुक है। बच्चों पेज नंबर 78 पे आइए, शार्पनर दिया हुआ है तो 1 रुपीज़ 50 पैसे का शार्पनर है। चॉकलेट दी है, 6 रुपीज़ की चॉकलेट है। कैप दी हुई है, 10 रुपीज़ की कैप है। एक टॉय बना हुआ है, ये 30 रुपीज़ का है। ठीक है, और एक बलून बना है, ये 75 पैसे का है। और टॉफ़ी बनी है, ये 50 पैसे की है। अब देखिए इसमें करना क्या है, लुक एट द शॉप डिस्प्ले एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे जो शॉप में कुछ सामान दिए हुए हैं हमें इन्हें देखना है, और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर हमको देने हैं इन्हीं शॉप को देख के। अब बच्चों नंबर 1 देखिए, नेम द चीपेस्ट थिंग इन द शॉप, शॉप में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है उसके बारे में लिखना है, यानी उसके बारे में उसका नाम लिखना है। तो सबसे सस्ती चीज़ क्या है, टॉफ़ी है, तो टॉफ़ी देखिए लिखा हुआ है। अब नंबर 2 पे आइए, नेम द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द शॉप, शॉप में सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, उन दो चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं, तो आप यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। अब नंबर 3 पे देखिए, विच थिंग हैज़ अ प्राइस टैग ऑफ रुपीज़ 10, कौन सी चीज़ का दाम 10 रुपये है, तो आप इस शॉप में देखिएगा किस चीज़ का दाम 10 रुपये है और उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब 4th वाले में देखिए, विच थिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव अमंग द कैप चॉकलेट एंड डॉल, कैप चॉकलेट और डॉल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या है, तो जो होगा आप शॉप में देखिएगा फिर उसका नाम यहाँ पे ब्लैंक में फिल कर दीजिएगा। हाउ मच विल यू पे इफ़ यू परचेज, नंबर 5 क्वेश्चन है, अगर हम नीचे दी गई चीज़ को ख़रीदें तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, तो ए नंबर देखिए, 1 पेंसिल, 1 डॉल एंड 2 टॉफ़ीज, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या है, 2 रुपीज़ है, 1 डॉल की कॉस्ट क्या है, 30 रुपीज़ है, और 2 टॉफ़ीज़ की कॉस्ट कितनी होगी, तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट 50 पैसे है तो 2 टॉफ़ीज़ की 1 रुपीज़ हो जाएगी। तो आप इन तीनों के कॉस्ट को ऐड करिएगा और जितना भी आएगा वो आप यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल लगा के आगे लिख दीजिएगा।
फिर देखिए बी वाले में वन बॉल पॉइंट पेन एक पेन की प्राइस, वन नोटबुक एक नोटबुक की प्राइस और वन पेंसिल एक पेंसिल की प्राइस, तीनों की प्राइस को आप ऐड करिएगा और ऐड करने के बाद यहाँ पे कॉलम में लिखिएगा। सी नंबर पे देखिए वन बलून वन टॉफ़ी एंड वन पेंसिल कटर, एक बलून की प्राइस एक टॉफ़ी की प्राइस और एक शार्पनर या पेंसिल कटर की प्राइस, तीनों को ऐड करिएगा और फिर यहाँ पे जितना अमाउंट आएगा वो लिख दीजिएगा। वन इरेजर वन पेंसिल एंड वन पेंसिल कटर, डी में देखिए एक इरेजर कितने का है, एक पेंसिल कितने की और एक पेंसिल कटर कितने का है, तीनों की प्राइस को आप ऐड करिएगा और ऐड करने के बाद रुपीज़ का सिंबल लगा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा समझिएगा और हर एक्सरसाइज के चार चार क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में पहले रफ कॉपी में सॉल्व करिएगा, इसके बाद उसे फेयर में चार चार क्वेश्चन आपको हर एक्सरसाइज के करने हैं।